हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जितने भी स्टूडेंट बीए लास्ट ईयर के हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि बीए लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। किस यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट पोर्टल पे अपडेट किया है, वो सभी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस, हम देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ भी रिजल्ट मेंशन कर रहा है और ये सभी कोर्सेज का रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। अगर नीचे स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ मेंशन भी कर रहा है बीए पार्ट थर्ड, यानी बीए जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है वो आ चुका है, उसका लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। किस यूनिवर्सिटी का है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आपका ओपन हो जाता है और आप देख भी रहे होंगे ये जो रिजल्ट है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या का रिजल्ट है। और उसके बाद अगर कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है रिजल्ट को लेकर, बीए लास्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि कल जो था वो कानपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन का लास्ट डेट था और अभी तक रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई है, यानी रिजल्ट का आता पता नहीं है और रिजल्ट और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो खत्म हो चुकी है। अब जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो एडमिशन कैसे करेंगे, यूनिवर्सिटी को ये कुछ पता नहीं है, उन्होंने कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि ऐसे बच्चे क्या करेंगे, उन्हें क्या करना है, आगे क्या एक्शन लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है और रिजल्ट का भी अता पता नहीं है। तो कानपुर यूनिवर्सिटी का कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है रिजल्ट को लेकर या एडमिशन प्रोसेस को लेकर तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। फिलहाल जो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है अयोध्या का, उनका बीए लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है सभी बच्चों का घोषित कर दिया गया है और यहाँ से रिजल्ट देखा भी जा सकता है। कॉलेज भी यहाँ पे रिजल्ट निकाला गया है, आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं उसके सामने व्यू रिजल्ट पर क्लिक करके आपको अपना रोल नंबर वगैरह सारी चीजें मेंशन कर देनी है, सिर्फ रोल नंबर मेंशन करना है और 100 मार्कशीट पे क्लिक कर देना है, आपका जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको उस पर गूगल क्रोम पे सर्च करना होगा, गूगल क्रोम पे आपको सर्च करना होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है गाइस। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है, बीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बतानी होगी तो मैं आपको तुरंत करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।